शनिवार को नया बस स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मथुरा डिपो की बस संख्या UP 85 AF 9190 डिपो वर्कशॉप में चलकर नया बस स्टेशन पर दिल्ली बल्लभगढ़ जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी और उसमें कुछ यात्री भी सवार थे। कंडक्टर बस के पास खड़े होकर यात्रियों को बैठाने के लिए आवाज लगा रहा था कि तभी खड़ी बस अचानक स्टार्ट होकर चलने लगी। उस वक्त यह घटना घटी जब ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं बैठा हुआ था। जैसे ही बस आगे चलने लगी तो बराबर में अन्य बस भी आ गई और बस का कंडक्टर दोनों बसों के बीच आ गया, जिसे देख हड़कंप मच गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को देख बस स्टेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आनन-फानन में घायल परिचालक को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में परिचालक के गंभीर चोटें आई हैं, अन्यथा कोई गंभीर हादसा भी हो सकता था। घटना के बारे में जानकारी देते हुए बस के ड्राइवर राजपाल ने बताया कि वह रोजाना की भांति मथुरा डिपो की बस को दिल्ली बल्लभगढ़ के लिए ले जा रहे थे और बस को नए बस स्टेशन पर खड़ी करके सवारियों का इंतजार करने लगे और वह कंडक्टर की सीट पर बैठे हुए थे और कंडक्टर राजन लाल सवारियों को आवाज लगा रहे थे कि तभी यह बस टेक्निकल फॉल्ट के चलते स्वतः ही स्टार्ट हो गई और चलने लगी। गनीमत यह रही कि जिस समय बस चली उस समय बस स्टैंड पर कोई भीड़ नहीं थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। सवाल इस बात का उठता है कि परिवहन विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि वर्कशॉप से जो भी बसें जाएंगी वह पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद निकलेंगी और यह बस मथुरा डिपो से चेक होकर निकली थी। अचानक तकनीकी फॉल्ट कैसे हुआ इस पर रोडवेज विभाग का कोई भी आला अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। गाड़ी ये हुआ था कि हमारी दिल्ली काउंटर पर गाड़ी लगी हुई थी, हम दिल्ली के लिए भर रहे थे गाड़ी बल्लभगढ़ के लिए, तो कंडक्टर साहब आगे आवाज़ लगा रहे थे। मैं कंडक्टर सीट पर बैठा हुआ था, बगल में साइड में जो है हरियाणा रोडवेज खड़ी थी, तो गाड़ी अचानक अपने आप स्टार्ट हो गई। मैं सीट से भग के कंडक्टर सीट से भग के आया, मैंने गाड़ी कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं सीट और बोनट के बीच में लंबा पड़ के मैंने हाथ से पैडल को दबाया ब्रेक वाले को, ब्रेक का पैडल दबाते ही गाड़ी बंद हो गई। फिर मैं जल्दी से सीट पर बैठ गया, फिर दोबारा स्टार्ट हो गई, तो मैं एक पाम से जो है ब्रेक पैडल को दाबे हुए और एक हाथ से इंजन के न्यूटन किया, नहीं इंजन को बंद करने वाला चौक मैंने खींच रखा था और पता चला कि मेरा कंडक्टर और हरियाणा और मेरी गाड़ी के दोनों के बीच में भिज गया। जब फिर और लोगों ने उसको निकाला और हॉस्पिटल ले गए उसे। घायल हो गए वो? घायल हो गए कंडक्टर साहब? हाँ घायल हो गए। मैंने मुझे नहीं पता चोट कहाँ लगी है, वैसे खून पड़े हैं यहाँ पे, मैं तो गाड़ी पे था। क्या नाम था कंडक्टर का? राजन लाल। राजन लाल, तो ये इसमें क्या कमी, गाड़ी स्टार्ट क्यों हो गई, क्या कारण था? अब कारण की पता नहीं, अचानक अपने आप स्टार्ट हो गई, मैं तो कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ था। कोई तकनीकी फॉल्ट था क्या? तकनीकी फॉल्ट है इसमें कोई, अब बिजली वाले आए हैं यहाँ पे। किसकी गलती मानते हैं इसमें? अब इसमें गलती साहब हमारी तो है नहीं, हम तो कंडक्टर सीट पर बैठे हैं, सवारी भर रहे हैं, वो आगे आवाज़ लगा रहे थे, अचानक पल्ली तरफ आ गए, अब गलती गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई अचानक। तो जो डिपो में से आई थी यहाँ पर जाने के, हाँ डिपो से आई थी यहाँ पे बल्लभगढ़ जाने के लिए लाए थे हम, डिपो से चल के आई थी यहाँ बल्लभगढ़ के लिए ले जाते थे। सवारी इसमें 4-5 सवारी बैठी थी केवल। हाँ टेक्निकल बिजली कोई तार शॉर्ट हो गया है इसका, हाँ चेक करके लाए थे बिजली वाले, अब आए हैं वही बताएंगे कि इसमें क्या कमी आई थी, कैसे स्टार्ट हो गई। बिजली वाले खड़े हैं यहाँ पे जो वर्कशॉप से चेक होके आई थी गाड़ी? हाँ वर्कशॉप से चेक होके आई थी। मैं यहाँ पे लिपिक पद पे इंक्वायरी पे बैठता हूँ। तो ये क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था यहाँ पे, ये अपने आप बस 9190 बल्लभगढ़ के लिए लगी हुई थी, ये अपने आप चलने लग गई और यहाँ पे सब लोग खड़े हुए थे। हमारे यहाँ पे जो परिचालक है उनके यहाँ पे चोट आई है थोड़ी सी, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। ड्राइवर साहब ने जाके भाग के बस हाथों से रोक दी, बस वहीं कंट्रोल हो गई, बस इतना मामला हुआ हमारे सामने। तो इसमें कितनी सवारियाँ बैठी हुई थी? सवारी कुछ नहीं थी, केवल बस आके लगी है, बस आके बंद की उन्होंने, बंद करते ही अपने आप बस स्टार्ट हो गई अपने आप। इसमें कोई नहीं था चालक? इसमें कोई नहीं, परचालक बैठे थे इसमें, उन्होंने ही तो बस रोकी है, चालक परचालक दोनों थे, वो उतर के आ रहे थे, चालक परचालक उतर के आवाज़ लगा रहे थे बल्लभगढ़ के लिए, चालक इसमें बैठे हुए थे, तुरंत तो उन्होंने जाके बस रोकी है। चिकित्सक और मरीज के बीच में खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के संकल्प के साथ एक और हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जहाँ चिकित्सक लोग कंधे से कंधे मिला के नैतिक मूल्यों के साथ आम लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कृत संकल्प है। यहाँ सारी सुविधाएं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए गए हैं,
जहां रोग की रोकथाम और जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ सभी क्षेत्र में अत्याधुनिक इलाज की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कार्डियोलॉजी एवं कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक एवं वेट लॉस सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं किडनी प्रत्यारोपण, हड्डी रोग एवं स्पोर्ट्स इंजरी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, कैंसर विभाग, प्लास्टिक सर्जरी विभाग आदि शामिल है। यहाँ इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, थर्ड जनरेशन कैथ लैब जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्डियक एवं ब्रेन इंटरवेंशन किए जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जहाँ हम खिलाड़ियों के लिए आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं, अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट, मिनिमल इन्वेसिव एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्ट्रोक सेंटर, जॉइंट रिप्लेसमेंट सुइट, एंडोस्कोपिक सुइट, वाउंड केयर सेंटर, वेरिकोस वेन्स सेंटर, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर इत्यादि।